हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास टेंथ एनसीईआरटी के लेसन वन वास्तविक संख्या के बारे में। दोस्तों एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 कराने वाले हैं। दोस्तों पीछे जो क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में था वो सारा क्वेश्चन हमने करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन हमारा, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 × 13 यहाँ पे प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो गुणनखंड दिया गया है ना हमें, ये जो गुणनफल दिया गया और इसमें प्लस में ऐड भी है, जोड़ भी है, तो ये जो सिंप्लीफाई की के जैसे हमें दिया हुआ है, इसको हमें व्याख्या द्वारा सिद्ध करना है कि यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, यानी कि ये भाज्य संख्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस नंबर को लेते हैं, उसके बाद से इस ये जितने नंबर हैं उनको लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला जो दिया है हमारा 7 × ठीक है दोस्तों 7 × 11 है, यहाँ पे लिख देते हैं 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है दोस्तों, इतना है। 7 × 11 में कराएंगे 11 × 7 = 77 हो जाएगा। 77 × अगर 13 में कराते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा 1001। ठीक है, 1001 होगा दोस्तों। अब प्लस में 13 अगर इसको जोड़ देते हैं तो हमें मिलेगा दोस्तों कितना, 1001 में अगर 13 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1014 दोस्तों होगा 14। ठीक है, इतना आ जाएगा दोस्तों। अब हम बात करें यहाँ पे, देखिए 1014, अब हम इसको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें क्या निकलना है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं, यानी कि ये भाज्य संख्या क्यों। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाज्य अभाज्य में अंतर क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैंने साइड में लिखा हुआ है भाज्य संख्या, इसकी डिफिनीशन को पढ़ लेते हैं दोस्तों सबसे पहले, उसके बाद हम यहीं से इसका जो है व्याख्या निकाल देंगे। देखिए भाज्य संख्या वह संख्या जो एक से स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी कट जाती है भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखिए दोस्तों, ऐसी कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो केवल एक से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं, यानी कि इस संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, अभाज्य संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे, यानी कि अगर मान लीजिए 3 है तो 3 एक से कटेगा और 3 से कटेगा, 19 है तो 19 केवल एक से कटेगा और नहीं तो 19 से कटेगा, तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। और ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से कट जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना है कि ये जो 1014 है, यानी इसको जोड़ने पर 1014 आया, 1014 है ये हमारा भाज्य संख्या है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 1014 का जो है गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, 1014 का गुणनखंड निकाल लेते हैं दोस्तों। 1014 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से काटेंगे, सबसे पहले 2 × 25 = 10 हो जाएगा, 1 0 बढ़ेगा, 2 × 7 = 14। ठीक है, अब दोस्तों हम 3 से काटेंगे, 3 से काटते हैं, 3 × 3 हो जाएगा, 2 जाएगा इधर, 3 × 6 = 18 और 2 बचा इधर जाएगा, 3 × 9 = 27। ठीक है, अब 13 से काटेगा दोस्तों, 13 × 13 = 169, फिर 13 से काटेंगे एक बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 1014 का गुणनखंड हुआ, 1014 का जो गुणनखंड हुआ वो हुआ 2 × 3 × 13 × 13, इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इसके गुणनखंड में देख सकते हैं दोस्तों, यह अगर यह 1014 अगर अभाज्य संख्या रहता तो क्या होता, केवल एक से कटता और नहीं तो 1014 से ही कटता, लेकिन यह अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसमें और भी अन्य कई सारी संख्याएं हैं जिससे ये कटा है। ठीक है, यानी विभाजित हुआ है, तो इसलिए यह सिद्ध होता है कि यह जो नंबर था 7 × 11 × 13 + 13 यह जो था भाज्य संख्या है। ठीक है, अब हमें इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं, जैसे हमें एग्जाम में लिखना है वो ये है, चूँकि इस तरह से लिखेंगे दोस्तों, इसको पहले करके उसके बाद से हम ये इस तरह से लिखेंगे, चूँकि यह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है जो एक व स्वयं के अलावा अन्य कई संख्याओं से विभाजित है
अन्य कई संख्या से क्या है दोस्तों, विभाजित है, विभाजित है। अतः यह भाज्य संख्याएं है। ठीक है दोस्तों, इससे ये हमारा जो व्याख्या हुआ कंफर्म हो गया कि 7 × 11 × 13 × 13 को जोड़े हैं हम, इसको गुणा किए हैं तो ये इतना आया, इसमें जोड़ दिए इतना तो इतना आया, 1014 आया, 1014 का गुणनखंड निकले हैं दोस्तों। इसमें अगर गुणनखंड एक से कटता, यानी कि यह 1014 विभाजित होता केवल एक से और 1014 से, तब तो अभाज्य संख्या होती, लेकिन उसके अलावा अन्य भी कई संख्याओं से विभाजित हुआ, इसलिए यह क्या है, भाज्य संख्या है। अब दोस्तों दूसरा नंबर हमारा था 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 5 को भी भाज्य की व्याख्या करनी थी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 5 है। ठीक है, तो इसको भी हमें सिद्ध करना था कि ये भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको गुणा कराते हैं, 7 × 6 = 42, इसके सारा गुणा कराएंगे, यानी कि इन सब का अगर हम गुणा करा लेते हैं तो ये हमारा जो मान निकलेगा 5040 आएगा। ठीक है, धन में 5 को जोड़ देना है। ठीक है, इसको अगर जोड़ देंगे तो 5045 मिल जाएगा दोस्तों, 5040 में 5 जोड़े 5045 निकल गया। अब इसका इसको क्या करना है हमें, 5045 का हमें गुणनखंड निकालना है। ठीक है, इसको निकालते हैं दोस्तों, तो 5 से काटेंगे, सबसे पहले 5 × 5 0 उतरेगा, 5 × 9 = 45। ठीक है, अब 109 से कटेगा दोस्तों, 109 × 9, क्योंकि 109 किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है। ठीक है, तो 5045 का जो गुणनखंड होगा 5 × 109 होगा, सॉरी यहाँ पे 109 रहेगा, 109 होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि गुणनखंड इसका 5 × 109 है, यानी कि अभी भी ये दो संख्याओं से तो कटा है, लेकिन अभी भी यह एक से या 5045 से नहीं कटा है। जब एक से कटता अगर या 5045 से कटता तब अभाज्य संख्या होता, लेकिन किसी अन्य संख्याओं से कटा है, इसलिए क्या है, यह भाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, यह एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित है, विभाजित है, अतः यह सिद्ध होता है कि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कहीं भी डाउट हो तो। आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।